सिक्किम में एसडीएफ के सिक्किम बचाओ अभियान को लेकर आज सुबह से ही पोकपोक कामरंग में तनाव का माहौल है। ताजा जानकारी के अनुसार कुछ देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग की सभा में पथराव की खबर है। इससे पहले आज सुबह देचुंग गांव में एसडीएफ की रैली पर हमला हुआ। एसडीएफ ने इस हमले के पीछे एसकेएम का हाथ बताया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग की सभा में पथराव की गई है। सिक्किम में आज सुबह से ही सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के कार्यकर्ताओं के बीच रुक रुक कर झड़प हो रही है। पोकपोक कामरंग मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग का चुनाव क्षेत्र है। एसडीएफ ने इस हमले के पीछे सीधे सीधे एसकेएम पर आरोप लगाया है। एसडीएफ ने पुलिस पर भी भेदभाव करने का आरोप लगाया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारी भी समझिए जाकर के, ये आपका पार्टी का मामला है, दोनों पार्टी का। वी आर हियर एज न्यूट्रल प्लेयर्स एंड वी विल एंश्योर यू गेट अ सेफ पैसेज। थोड़ा इसमें समय लगेगा, आप थोड़ा पेशेंट रहिए। We'll get it. We'll ask them to leave the road. We just appeal that both sides should restrain peace and maintain. No, we don't want the situation to get out of hand. They are protesting. We'll clear the road. Just give it some time. We are talking to both sides and our request is, please. We assure you, you will get a safe passage. We'll do that also. We are talking to them as well. Please, let's not be unreasonable. Both sides are agitated. Please understand our predicament also. Don't dole out threats. Unka 200 aadmi hai, inka 200 aadmi hai. Don't dole out threats. Then we'll be forced to, you know, take action on both sides, and we don't want to do that right now. So we are appealing that maintain peace. This whole thing will be sorted out. There is no point getting agitated. We are talking to them simultaneously and we'll be talking to you as well. Just give it some time. Give it half an hour. Sikkim police ek professional force hai. Sikkim police ek puri zimmedari se aur professionalism ke saath kaam karti hai. Hamara udeshya hai ki hamare rajya mein, hamare jila mein, dakshin jila mein kahin bhi koi law and order ki situation na bane. और इस वक्त हमसे जुड़े हमारे संवाददाता प्रकाश अधिकारी जी। प्रकाश, राजनीतिक हिंसा की खबर है सिक्किम से। आज सुबह 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 से ही कुछ कुछ छोटी छोटी हिंसा की खबरें आ रही है लगातार, और अब एसटीएफ के जो प्रमुख है पवन चामलिंग, उनकी सभा में पथराव की खबर है। क्या कुछ ताजा अपडेट्स है, किस तरह का माहौल है? जी हाँ, जो एसटीएफ पार्टी के सिक्किम बचाओ अभियान का कार्यक्रम था आज पोकलोक कामरंग निर्वाचन क्षेत्र के सालघारी बोल के गाँव में, जब एसटीएफ का काफिला जा रहा था तब एसपीएम के कई कार्यकर्ताओं ने उनका काफिला को रोका और कुछ तनाव का माहौल बना, मगर 2-3 घंटे की कसरत के बाद पुलिस ने एसटीएफ के काफिला को मीटिंग स्थल में जाने की अनुमति दी थी। और जहां सालखारी में जिस जगह पर एसटीएफ पार्टी का मीटिंग हो रहा था वहां पर एसटीएफ अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग भाषण दे रहे थे। तो भाषण देते वक्त जब 10-15 मिनट भाषण दे का समय हो चुका था तब वहां पर पथराव की घटना हुई। एक गाड़ी में कई युवक आए और आके वहां पर पथराव किया और सभा तब वहां पर सभा भंग की गई और वहां एक तनाव का माहौल बना, मगर बाद में वहां पर भी एसटीएफ की ओर से भी रिपेलर किया गया और एसटीएफ ने जिस लोगों ने पथराव किया था उन लोगों को वहां का पकड़ा और वहां हाथपाई की भी घटना हुई है। तो जो लोग वहां पर आए थे उन लोगों को भी हाथपाई की घटना हुई है। एसटीएफ कार्यकर्ता ने उन लोगों पर हाथपाई की और अभी वो गंभीर अवस्था में अस्पताल में पुलिस ने रेस्क्यू करके एडमिट करा है, मगर कौन सा अस्पताल में एडमिट है वो अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, मगर पुलिस ने उनको वहां से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल लेके गया है और सभा भंग की गई है। अभी सभा खत्म हुआ है और वहां से सब लोग डिस्पेस हो रहे हैं, मगर सभा इस घटना के बाद पवन चामलिंग ने थोड़ी देर के लिए वहां उपस्थित लोगों को संबोधन किया और पवन चामलिंग ने आज एक घोषणा ही की
कि अब आज से एसकेएफ पार्टी रात दिन मेहनत करके सिक्किम से स्कीम की सरकार उखाड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो उनका आरोप है कि एसकेएम पार्टी की सरकार बनने के बाद सिक्किम में अशांति का माहौल है, तो ऐसा आरोप लगाते हैं। उन्होंने बोला है कि वो अब रात दिन मेहनत करके सिक्किम से एसकेएम पार्टी की सरकार और यहाँ से हट के ही वो चुप बैठेंगे, उनका ऐसा उन्होंने स्पीच किया है। उन्होंने कार्यकर्ता को अपील भी की है किसी के साथ जाके आक्रमण नहीं करे, मगर किसी ने आक्रमण किया तो चुप नहीं बैठने की भी उन्होंने अपने कार्यकर्ता को अपील किया है। तो जो इलेक्शन नजदीक है, एक साल के बाद सिक्किम में इलेक्शन होने हैं, तो अभी राजनीतिक माहौल बहुत गर्माया हुआ है। और जिस कंस्टिट्यूएंसी में आज ये घटना हुई, एक कंस्टिट्यूएंसी में पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग 2019 तक विधायक थे, 2019 के आम चुनाव में भी वो यही कंस्टिट्यूएंसी से फाइट किया था और जीत के भी आए थे, मगर दो सीट से जीतने के बाद उन्होंने इस सीट छोड़ा था और बाद में बाई इलेक्शन हुआ। बाई इलेक्शन में वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग इस सीट से जीत के विधायक है। तो दोनों ही मुख्यमंत्री का, पूर्व मुख्यमंत्री हो या प्रेजेंट मुख्यमंत्री हो, दोनों का ही होम कंस्टिट्यूएंसी बोला जा सकता है पोकलोक कामरांग को। तो इसे सिक्किम के राजनीति के महत्वपूर्ण कंस्टिट्यूएंसी में इस तरह की घटना होना एक आश्चर्य की बात है। रश्मि।